एका एक संगे को परामर्श दे जेपी नड्डा ये जो विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का अलग विधानसभा का अलग बाद में पंचायतों का चुनाव और फिर बीडीसी का चुनाव और फिर कभी म्युनिसपालिटी का चुनाव ये जो अलग अलग समयों पर चुनाव होते हैं इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं लगा ही रहता है एम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इसके कारण प्रशासन और गुड गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों की कार्यों को भी असर पड़ता है आर्थिक दृष्टि से भी एक तरीके से ठहराव आ जाता है दूसरी बात कि यह फाइनेंशियल बर्डन पार्टियों पर और सरकार पर सब पर पड़ता है और आर्थिक दृष्टि से भ्रष्टाचार का कारण भी बनता है इसलिए इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है तीसरी बात कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिन्हें बॉर्डर पर लगना होता है जिन्हें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगा रहना पड़ता है उनकी बड़ी डिप्लॉयमेंट बारंबार स्टेट्स में इलेक्शन कराने के लिए लगती है और इसके साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी बारंबार इसके लिए उनको इन्वॉल्व करते हैं तो जैसे बड़ी संख्या में टीचर्स लगाए जाते हैं तो एजुकेशन अफेक्ट होता है बड़ी संख्या में हेल्थ का स्टाफ को इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाते हैं तो उससे हेल्थ सेक्टर अफेक्ट होता है बड़ी संख्या में हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं उनको लगाया जाता है तो उनके इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन को असर पड़ता है ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह सिफारिश की है एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए विच इज़ वैलिड फॉर लोकसभा विधानसभा एंड पंचायत यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंत नहीं